सुमन गिल के इस फैसले से पूर्व क्रिकेटर हैरान हैं। कहा आमतौर पर ऐसा भारतीय टीम में नहीं होता। भारतीय सलामी बल्लेबाज सुमन गिल ने वेस्ट इंडीज दौरे पर एक ऐसा रिक्वेस्ट कर दिया है जिसे सुनकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कहा है कि ऐसा भारतीय टीम में नहीं होता। दरअसल वेस्ट इंडीज दौरे पर चेतेश्वर पुजारा को खराब फॉर्म के चलते ड्रॉप कर दिया गया है। ऐसे में इस स्थान के लिए दो दावेदार यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल थे। ऐसे में सुमन गिल ने खुद टीम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर नंबर 3 पर खेलने की इच्छा जताई, जिसे टीम मैनेजमेंट के साथ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी मान लिया है। इस बात से हैरान होकर भारतीय पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कहा कि आमतौर पर आप भारतीय क्रिकेट में ऐसी बातें नहीं सुनते, ना तो कोई ऐसी रिक्वेस्ट करता है, ना ही किसी को इस तरह की लग्जरी दी जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यशस्वी जायसवाल अब ओपनिंग कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अगर कोई मुश्किल काम है तो वह है ओपनिंग करना। खास तौर घर से बाहर नंबर 3 अभी भी एक चुनौतीपूर्ण स्थान है, लेकिन नंबर 4 सबसे व्यवस्थित स्थान है और आमतौर पर उस स्थान पर अपना सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रखते हैं। आप नहीं चाहते कि वह निचले क्रम के साथ बल्लेबाजी करे। चोपड़ा ने इसी के साथ यह भी कहा कि वह गिल को नंबर 3 पर खेलता देख हैरान नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने इसकी भविष्यवाणी 2020 में ही कर दी थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सुमन गिल को ऐसा रिक्वेस्ट करना चाहिए था या नहीं? अपने विचार कमेंट में बताएं। साथ ही ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।